नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। तो एक कमेंट जो कि है हमेशा आते रहता है कि यार मेरे एक्यूरेसी सुधर ही नहीं रहा, क्या करें। सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका जब भी टाइपिंग स्पीड जो कि है आपका 35 क्रॉस या 30 क्रॉस जैसे ही होता है, तो आपकी या तो फिर आप अपना स्पीड जो कि है बढ़ा सकते हो या तो फिर एक्यूरेसी। और मैं इसके लिए हमेशा कहता हूँ कि आप सबसे पहले तो स्पीड कीजिए 35 प्लस, क्योंकि आपका डिजायर्ड स्पीड जो कि होता है एलडीसी पीएसए पोस्ट के लिए, जिसमें काफी मैक्सिमम लोग क्वालिफाई करते हैं। ठीक, मैक्सिमम क्या, टोटल लोग क्वालिफाई करते हैं, और कुछ सीट्स होते हैं जिसमें कि डाटा एंट्री के लिए लोग क्वालिफाई करते हैं, तो वहां पर तो स्पीड है 50 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पर स्पीड है आपके आपके 35। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सबसे पहले 35 प्लस स्पीड करने की कोशिश कीजिए, एक्यूरेसी पे सबसे पहले स्टार्टिंग से ही ध्यान मत दीजिए उतना। आप सबसे पहले 35 या 40 तक स्पीड करें, और इतना स्पीड करने के बाद आप अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। ठीक है, कंट्रोल करने का इन द सेंस कि यहाँ पर से आपको स्पीड नहीं इंक्रीज करना, हो सके तो 40 कर लीजिए, और 40 के बाद आप स्पीड जो कि है इंक्रीज करने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एक्यूरेसी सुधारने का, और एक्यूरेसी सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका है आपका जैसे ही जो स्पीड है 40 के आसपास में अगर आगर जाती है, तो उसके बाद आप एक ही पैसेज को उठाइए, उसमें आप नोट कर लीजिए कि आपको इतना टाइप करना है, 40 का स्पीड इतने में लाना है। तो ठीक है, और हमेशा कोशिश कीजिए कि 10 मिनट का टाइपिंग करने के लिए, 10 मिनट में 40 का स्पीड से जितने की स्ट्रोक्स होते हैं आप उतने कैलकुलेट करके जो कि है वहां पर नोट कर लीजिए, और वहां पर जो कि है अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब आप जिस भी चीज से कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आप सभी को उसी पैसेज को आप कोशिश कीजिए दिन भर टाइप करने का। ठीक है, दिन भर कम से कम टाइप करने की कोशिश कीजिए। और एक सबसे एक बेस्ट चीज क्या है कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या, कि अगर आपके पास 20-25 गलती अगर हो रहे हैं, ठीक है, इससे ज्यादा ही गलती अगर हो रहे हैं, या तो फिर मतलब 20-25 से ऊपर अगर गलती हो रहे हैं, उस पैराग्राफ को छोड़िए मत। उस पैराग्राफ को करना क्या है कि आप दिन भर, आपको तीन मतलब आपको जितने भी देर आप टाइपिंग करते हो, अगर आपका 40 स्पीड अगर आपका आ गया है, 1 घंटे की भी टाइपिंग काफी है, 2 घंटे भी करते हो वो भी ठीक है, और 3 घंटे करते हो तो खैर मतलब बहुत ही परफेक्ट है, बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आपकी स्पीड आ जाती है तो कोशिश कीजिए कि जो 20-22 गलती जो हो रही थी आप निकालिए सबसे पहले। ठीक है, आप निकालिए कि कौन कौन से वर्ड में आप गलती कर रहे हो। सबसे जो लोगों का जो गलती होता है, कॉमन मिस्टेक जो कि होता है, अभी तो बहुत दिन से मैं टाइपिंग नहीं कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं बताता हूँ, कॉमन मिस्टेक कुछ कुछ होते हैं। TH द के बदले TH हम द लिखते हैं, ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है आप सभी का। इस के जगह पे SI लिख देते हैं और R के जगह पे AER लिख देते हैं। देयर का भी हम गलती करते हैं TH ER E को, ठीक है, तो वहां पर भी मिस्टेक हम करते हैं। और भी कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें टाइप कुछ करना होता है, हम टाइप कुछ और करते हैं, क्योंकि हमारी उंगलियां जो कि है उस तरीके से उल्टा, मतलब कि ठीक है, मतलब गलत डायरेक्शन में वो अभ्यस्त हो चुकी है, इसके कारण वो मिस्टेक होता है। वो मिस्टेक आपका नहीं है, पहली बात तो आप ये चीज ध्यान रखें। कुछ कुछ कॉमन मिस्टेक्स है और उन्हें आप साइड कीजिए लिखने का। ठीक है, जिस तरीके से हम मैथ्स की नोटबुक बनाते हैं, इंग्लिश की नोटबुक बनाते हैं, उसी तरीके से आपको यही चीज करना है कि आपको लेना है और उसे अलग लिखना है। ठीक है, अलग लिखने के बाद मेन चीज आपका क्या होता है, अलग लिखने के बाद आप उन सभी पे कोशिश कीजिए जितना धीरे धीरे हो सके उसे सही से बस लिखने को, इसके वहां पर आपको स्पीड मैटर नहीं करना चाहिए कि आपका स्पीड क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही जैसे कि मैंने 20 लेटर मैंने गलत लिख रखा है, पैसेज के बारे में मैं बताऊंगा अभी, सबसे पहले मैं उस लेटर के बारे में बोल रहा हूँ, वर्ड के बारे में बोल रहा हूँ कि आपने 20-22 वर्ड गलत कर रखा है, आप उसे साइड सबसे पहले लिखे जो कि आपका कॉमन मिस्टेक है, और उसे हमेशा जो कि है हो सके तो जब भी टाइम मिले आपको उसे सही सही से लिखने की कोशिश कीजिए, और उसमें जल्दी जल्दी आपको टाइप नहीं करना, उसमें आपको स्पीड नहीं नापना है, उसमें बस और बस उन सभी वर्ड्स को सही सही से बस और बस लिखना है। ठीक है, आप ये काम कीजिए, इसमें आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि मैं आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं जिनमें कि हम बार बार मिस्टेक करते हैं। ठीक है, मेरा जो अपना था कॉमन कुछ मिस्टेक वो मैंने आप सभी को बताया, आपके भी कुछ कुछ कॉमन मिस्टेक्स होंगे। आप कुछ ना कुछ पैसे इतने दिन से टाइप कर रहे हो, आपको एक आइडिया एक लग जाता है कि यहाँ पर ये चीज मैं हमेशा मिस्टेक कर रहा हूँ, और वही आपका कॉमन मिस्टेक है, उसे आप सबसे पहले कॉपी में अलग लिखिए। लिखने के बाद आप भी जब भी टाइम फ्री मिले डेली, मैं तो खैर कहूंगा डेली आप उसे आधे घंटे भी करते हो अगर हो तो आप काफी है, मतलब कि उसे लिखिए। ठीक है, फ्लो में लिख सकते हो या तो फिर एक एक करके लिख सकते हो, आपको जैसे भी लिखने में आप बेस्ट हो आप वैसे कीजिए, ताकि आपकी उंगलियां जो कि है सही हो जाती है। द और इस लिखना मेरा काफी ज्यादा कॉमन था,
मैं जहां पे भी द लिखता था अधिकांशता जगह पे मैं उल्टा ही लिखता था, TEH ही लिखता था। और उसके लिए वो उंगली जो की है मेरी उस तरीके से बैठ गई थी, यही प्रॉब्लम था मेरा। लेकिन वो मैं लास्ट लास्ट तक मैं सुधार लिया था, ठीक है। तो एग्जाम में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था, क्योंकि द इस ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि काफी बार पैसेज में हैं, आप सभी के आते ही आते हैं। अब मैं पैसेज की मैं बात करता हूँ। पैसेज में आपका जो आपको लिखना होता है 20 22 25, जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप दिन भर में कितने भी स्लॉट लगाते हो, तो आप कोशिश कीजिए कि जो सुबह में जो पैसेज कर रहे हो उसी को दोपहर में भी, उसी को सब टाइम पे सभी स्लॉट्स में आप उसी को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आप उसी को ही प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका होता क्या है कि बार बार उस चीज को टाइप करने से, एक तो आपकी स्पीड भी उस पैसेज में आपका आगे चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि 40 था तो 45 44 इस तरीके से आपको बढ़ेगा भी। साथ ही साथ जहां जहां पे आपको मिस्टेक हुआ था, आप सुबह में जब सबसे फर्स्ट बार आप टाइपिंग करते हैं, वहां पे ध्यान देखते जाइए कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था, ठीक है। और उन सही वर्ड्स पर पैसेज में लिखते वक्त भी थोड़ा सा आप सावधानी बस बरतिए। ये नहीं करना है कि आपको स्पीड बिल्कुल ही रोक देना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको बस ये चीज करना है कि वहां पे थोड़ा सा धीमे हो जाना और उसके बाद उसे लिखना है, ठीक। इस तरीके से आपको आप क्या पाएंगे कि आप दिन भर जब टाइपिंग करते हैं तो सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी स्लॉट्स में आपने किया हुआ है, अगर आपके सुबह में 25 गलती हो रहे हैं, तो शाम तक आते आते लास्ट तक आते आते आप सभी का 8 10 मिस्टेक पे आपका आ जाएगा। इससे भी कम होगा, जितने भी अगर लोग आप ज्यादा मेहनती अगर आप हैं तो इससे भी कम होगा, बट आधा मिस्टेक पे चले आएंगे आप, ठीक है। कहने का मतलब मेरा इतना ही हुआ, अगर आप 25 मिस्टेक कर रहे थे तो 12 10 के आसपास में चले आएंगे, ये डेफिनेटली आप मान जाइए, ठीक है। तो इन दोनों काम को कीजिएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको वर्ड अलग लिखना है। अलग लिखने के बाद आप उसे कोशिश कीजिए कि उन सही वर्ड्स को सही सही लिखने का, ठीक है। जब भी आप फ्री बैठते हो, और उसमें भी आपको स्पीड कैलकुलेट नहीं करना है, आपको फ्लो बाय फ्लो, आपको जैसे भी इच्छा हो एक एक करके, या तो फिर फ्लो वाइज में आप लिखिए उसे आराम से। लिखते समय आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात, जो आप पैसेज लिख रहे हो, ठीक है, जो आप पैसेज टाइप कर रहे हो, उस पैसेज को कोशिश कीजिए कि दिन भर उसी पैसेज को कीजिए, क्योंकि आपका बेसिक जो कि है क्लियर हो चुका है। बेसिक क्लियर होने के बाद आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो दिन भर उसी एक पैसेज को अगर करेंगे आप, तो देखेंगे क्या कि आपका जो जो 20 22 25 मिस्टेक जो कि हो रहा था, अब वो कहीं ना कहीं 10 से 12 मिस्टेक पे आपका सिमट के आपको आ जाएगा। अब एक और बात, लोग जो होते हैं 10 12 मिस्टेक में भी टेंशन होते हैं, ठीक है, कि 10 12 मिस्टेक ही मेरा हो रहा है यार, एग्जाम में क्या होगा, पास करूंगा नहीं करूंगा। अगर आपके पास 40 का स्पीड है मेरे भाई, तो अगर आप बिना किसी हड़बड़ाहट के टाइपिंग एग्जाम में बैठेंगे, आप डेफिनेटली पास करेंगे। जिसमें भी अगर आपका 10 12 मिस्टेक अगर यहाँ पर हो रहा है, और अगर आप नहीं हड़बड़ाते हो वहां पे भी वही मिस्टेक आपका होगा, 40 का स्पीड अगर आपने मैनेज कर लिया है अभी से ही, वहां पर आप आराम से 7 मिनट से 8 मिनट के बीच में आप टाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। और दो एक बात तो आपको पता ही होगा कि आप SSC का टाइपिंग ऐसा टाइपिंग है जिसमें कि आप लिखे हुए चीज को सुधार सकते हो, ठीक है। तो ये काम ये आपके लिए बेनिफिट एक होता है, तो इस तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में जितना बता सकता था एक्यूरेसी सुधारने के लिए, वो मैंने आप सभी को बता दिया है। फॉलो कीजिए, बेनिफिट अगर पहुंचता है तो काफी बढ़िया है, और अगर नहीं पहुंचता है 15 दिन बस आप कीजिए, फिर आप यहीं पे आके कमेंट कीजिएगा। अगर फिर अगर आपका नहीं होता है तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे 100 में से, ठीक है, 90 लोगों का तो सर सुधरेगा ही सुधरेगा। अब बाकी 8 10 लोगों का कुछ और एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी चाहिए होता है, ठीक है, तो वो भी देखूंगा, सोचूंगा, खोजूंगा वैसा कोई मेथड, सोच समझ के फिर बताने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनका भी टाइपिंग का एग्जाम होना है। टाइपिंग को लेकर के टेंशन है, मत रहिए, बहुत सारे लोग जो कि मेंटल प्रेशर ले रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो प्लीज ये चीज मत कीजिए, एंड टाइपिंग बहुत ही एक स्मूथली एक प्रोसेस होता है, और उसमें काफी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और जो आपके टाइपिंग रिलेटेड क्यूरीज जो होती है उसके लिए एक अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट को देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा, और वहां पर जितने भी सारे वीडियोस हैं आप उनको देख करके काफी बेनिफिट उठा सकते हैं। और बाकी आपको कुछ भी और डाउट है तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलता हूँ मैं, आशा करूंगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आया हुआ होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे। चलता हूँ मैं, थैंक यू एंड बाय बाय।